मैं मीटअप रखने वाला हूँ नेपाल में। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog। So, जैसे कि आप लोग को पता है पिछले वाले vlog में कि हमारी जो मम्मी है और हमारी वर्षा दीदी है वो दोनों जा चुके हैं नेपाल एंड ऑब्वियसली हमारे घर पे अभी हमारी नानी, मैं और मेघा एंड पापा है। पापा ड्यूटी जाते रहते हैं एंड हमारी कहाँ छुपे हो, ये हमारी नानी ने ये तो पड़ा हुआ था चना कल का और ये रोटी हमारी नानी की तरफ से है ना नानी। हमारी नानी क्या है ना, यूजुअली चंडीगढ़ में ही रहती है बट वो ये कभी कभी मिलते थे हम, बट अभी क्या है ना हमारी नानी यहीं पर है और उनके हाथों का रोटी मतलब खान रोटी खा रहे हैं ना। ये हुई ना बात। हाय हाय मेगा। सो यूजुअली अभी क्या है ना मेगा पहले के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो पहले मेगा इतना ज्यादा शर्माती थी बट हमारे व्लॉग्स में अभी आने लगी है, थोड़ा बहुत बोलने लगी है ना मेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी बिकॉज ताकि तू और ज्यादा और बोले। यस गाइस, ये मेरे साथ भी आ सकती है नेपाल बट इसका क्या ना अभी कॉलेज चालू है बाकी, तो अभी वही खाना खाता हूँ मैं। आज खाने में गाइस है चना एंड आलू एंड रोटी एंड ये मेगा को बहुत पसंद है आलू। ओके सो गाइज, अभी हम आए हैं इन्फिनिटी एंड रात के 10 बज रहे, लेजिट 10 बज रहे और हम आए इधर मूवी देखने के लिए एंड इन्फिनिटी गाइज अभी है ना मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी ना दूसरा घर है भाई। जितना मैं अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाता उतना मैं इन्फिनिटी आ जाता हूँ भाई। बट अभी हमारा प्लान है कि रात हो गई थी तो हम ना पूरे दिन आज घर पे ही बैठे थे, तो नानी और हमारी मेघा हम आए मूवी देखने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं कौन सा मूवी अच्छी सी लगी है वो देखेंगे। ओके सो गाइज, हमारी जो मूवी है वो 11 बजे की है ना, अभी 10 बज रहे तो हमें एक घंटा क्या करना है और मैं तो खाना खा के भी नहीं आया था। मेगा ने खाना खा लिया था, नानी ने भी खाना खा लिया है। गाइज दैट्स द रीजन मैं मेगा को नहीं लेके आता मूवी में, ये हरकतें ऐसी कॉफी पीने के बाद पूरा गिरा दिया। आंटी इसने गिराया है, इसे गिर गया वो। ओके सो गाइज, हम घर पे आ चुके हैं, मेरे को भी धीरे बोलना पड़ेगा बिकॉज पापा सो रहे हैं, तो नानी अभी सो जा हुआ बिंदास बिकॉज हमारी नानी ने इंटरवल में से मूवी देखी ही नहीं। पापा और लियो जो है वो घर पे थे, इसने खाना भी नहीं खाया, खाना तो हम देके चले गए थे, अभी रात को उड़ गया ना ये, अभी इसको वापस खाना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरी वन, अनदर डे सेम व्लॉग। सो अभी मैं जा रहा हूँ लियो को लेके उसका वैक्सीनेशन कराने के लिए, मेरे को बहुत पहले कराना था बट ये हमारा लियो। हाय लियो। सो लियो का वैक्सीनेशन मेरे को बहुत पहले कराना था बट क्या हुआ था कि बीच बीच में काम आ रहे थे और ऑब्वियसली इसका मतलब वैक्सीनेशन जो है वो थोड़े टाइम बाद कराना था बिकॉज ये थोड़ा सा वीक हो गया था, बट अभी इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि खेलता कूदता भी है। सो अभी पता नहीं क्यों कैमरे के सामने बड़ा मासूम बन गया है। सो अभी मैं इसको लेके जाऊंगा इसका वैक्सीनेशन कराने के लिए। इंजेक्शन लगेगा आज तुझे। सो इसका बेड भी रेडी है, बेड भी नहीं मतलब जिसमें मैं इसको लेके जाऊंगा, और इसमें पुराना चिप्स विप्स था वो मैंने पूरा निकाल दिया। कैसा लग रहा है ये देख, दोस्त लोग तेरे हाय बोल। हाय हेलो, देख काटना मत, मैं बोल रहा हूँ मेरी बिल्ली है वो सबको देख रहा है। गाइज दिस इज लियो, लियो दिस इज गाइज। ओके चलो भाई। ये ट्रैवल के टाइम पे लियो के साथ इस लाइक बहुत ही मुश्किल है बिकॉज अभी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर में इतना रोने लग गया बीच रास्ते में। हो गया। ओके सो गाइस, हो चुका है हमारा लियो फाइनली वैक्सीनेट एंड भाई इतना ज़्यादा मतलब जो कि चिल्ला रहा था जब इसको मतलब इंजेक्शन दिया ना, एंड पहले भी मेगा और मम्मी आ चुके थे तो मतलब डीवॉर्मिंग करने आए थे, तो उसमें थोड़ा ना चेकअप होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। सो उसमें क्या हुआ ना, वो टेम्परेचर जब चेक कर रहे थे तो लियो रोने लग गया, तो उस टाइम पर ना मेगा भी इतनी भयंकर रोने लग गई, तो मेगा ने बोला इस बार मैं नहीं जा रही अंदर, तू जा, तो मैं लेके गया लियो को। ओके सो गाइस, बैक टू दी होम एंड लियो को भी आज इंजेक्शन लगा दिया है, एंड उसको भी आज मैं इतना ज़्यादा खेल नहीं रहा हूँ उसके साथ बिकॉज अगर मैं खेला तो फिर वो बोलेगा भाई आज ही इंजेक्शन लगी और आज ही खेल रहा है मेरे साथ, तो फिर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो रहने दो भाई। बाकी अभी खाना देख रहे हैं खाना क्या क्या बनाया आज। राजमा बनाया आज नानी ने, एंड मेरी मम्मी को पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है, तो वो मेरी मम्मी ना फ़ोन करके बोल देती है कि आज आकाश के लिए बना दो नाश्ते में मेथी के पराठे बना दो, तो मेरी नानी बना देती है। हाय लियो, हाउ यू फीलिंग? ओके सो गाइज, मैंने खाना भी खा दिया है एंड अभी मैं फुल रेडी वेडी हो के निकल रहा हूँ डेंटिस्ट के पास बिकॉज मेरा जो दांत है वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत डर्टी डर्टी हो गया, ब्रश रोज करता हूँ बट तभी भी पता नहीं क्यों। हाय सो गाइज, मीट डॉक्टर शमा, आपका फेस हटा दूँ फिर कई लोग बोलेंगे कि हाँ कि कौन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि किडनी कटवा रहा हूँ मैं आईफोन लेने के लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, यही मैम जो है हमारा दांत का ख्याल रखती है। सो राइट नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, क्लीनिंग करने वाले हमारे दांत का, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि मेरे को बहुत ही डर्टी डर्टी फील हो रहा है, मैं ब्रश रोज करता हूँ, ऐसा कहीं आप सोचो
कि आ जाता है बस कहीं ब्रश ना करता हूँ फिर डायरेक्ट क्लीन, ऐसा कुछ नहीं, ब्रश मैं रोज़ करता हूँ बट वही है कि क्लीनिंग चाहिए रहता है। हमने लास्ट किया था मेरे को याद नहीं है, एक दो महीने पहले, थ्री फोर मंथ्स के पहले हमने किया था, फिर अभी वापस से करने वाले हम। पहले मेरे को ये मशीन से बहुत डर लगता था गाइस, इसके ना आप नोकीलीपन देखोगे ना तो ऐसा लगता था कि दांत में खड्डे हो जाएंगे, बट अभी क्या है ना ऑलरेडी मैंने एक बार कर लिया तो डर निकल गया अभी मेरा। डन गाइस, थैंक यू सो मच, ये हमारी प्यारी सी डेंटिस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया भाई। आज खाने में क्या है, मेघा ने बनाया अंडा एंड रोटी, एंड जब से हमारी वर्षा दीदी और मम्मी गई है तब से हमारी नानी या फिर हमारी मेघा जो है हमें खाना खिलाती है और नाश्ता खिलाती है और खाना खिलाती है। ओके सो बाकी अभी मैं आपको ना मतलब दो खुशखबरी सुनाना चाहूंगा। जैसे कि पिछले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था कि 40,000 लाइक्स अगर हो गए वो वाले व्लॉग में, पिछले वाले व्लॉग में, तो मैं नेपाल आऊंगा, जो कि आप लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट कितने 10 आवर्स में कंप्लीट कर दिए। बड़े तेज हो रहे हो कि मतलब चाहते हो कि मैं आऊ नेपाल, सो फॉर श्योर आई एम कमिंग। एंड दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारे चैनल को मतलब कैसे बताऊं, 9 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस, जो भी लोग मेरा चैनल को देख रहे हैं, मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लव यू, क्या ही बोलूं यार, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो ना, मतलब जैसे भी बोलूं जो भी बोलूं आप हो सपोर्टिव, आप मान लो ये बात। बाकी मैं ये बोल रहा था कि तीसरा ये जस्ट कॉइन फेंका है, आपको सिर्फ कॉइन उठाना है या फिर नहीं उठाना है, जस्ट ये आपके ऊपर है, दैट मैं नेपाल आ ही रहा हूँ, आप लोगों ने इतना मतलब बोल ही दिया है, मतलब लाइक करवा ही दिया है, सो जस्ट मैं ये सोच रहा था कि नेपाल में हम मीटअप रख सकते हैं कि नहीं, जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइज कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मीटअप रखूं, एंड उसके लिए भी सेम हम मतलब रख सकते हैं कि अगर मेरे ये वाले व्लॉग में 45,000 लाइक अगर आ गए ये वाले व्लॉग में, सो फॉर श्योर मैं मीटअप रखने वाला हूं नेपाल में। सो ये मेरा पहला मीटअप होने वाला है एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस टू, बिकॉज नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि शायद क्या पता अगर मैंने बोल दिया कि चलो भाई मीटअप रख रहा हूँ नेपाल में, अगर कोई आया नहीं तो मेरे को वैसी बेइज्जती फीलिंग आ रही है, बट कोई नहीं, सो जस्ट आई एम ट्राइंग कि अगर ये अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मीटअप रखूँ, जितने भी नेपाल वाले लोग मेरे को देख रहे हैं, सो मैंने सोची रहा कि नेपाल मोमो राखम मीटअप, सो इफ़ यू वॉन्ट गाइज कि मतलब मैं मीटअप रखूँ, सो ये वाले ब्लॉग में 45,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, सो लेट्स सी, देखते हैं।